हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज हमारा क्वेश्चन है, अ सर्कुलर ओपनिंग 2.5 मीटर डायमीटर इन अ वर्टिकल स्लाइड ऑफ टैंक इज क्लोज्ड बाय अ डिस्क ऑफ 2.5 डायमीटर व्हिच कैन रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल डायमीटर। डिटरमाइन द फोर्स ऑन द डिस्क एंड सेकेंड है यहाँ पे द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिस्क इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल पोजिशन व्हेन द हेड ऑफ वाटर अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायमीटर इज 3.5 मीटर। अभी हम साथियों इसको फिगर देखते हैं, उसके बाद हम समझ पाएंगे। तो ये हमारा क्या साथियों, एक टैंक है। ये क्या साथियों, ये बात करें तो ये एक क्या है, टैंक है। तो ये इसको एक जो क्लोज किया गया, एक सर्कुलर ओपनिंग है। यहाँ पे एक सर्कुलर ओपनिंग है जिसको हमने क्या किया, एक डिस्क के द्वारा हमने इसको बंद कर दिए हैं, ठीक है। इसका जो साथियों डायमीटर है डिस्क का, वो हमारा 2.5 मीटर का है। ये क्या कर सकता है साथियों, ये हॉरिजॉन्टल जो डायमीटर है, मान लीजिए यहाँ पे जो डायमीटर लगा है ये कुछ इस प्रकार का है। इसका एक वर्टिकल डायमीटर होगा लेकिन एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो इस प्रकार से अगर हम इधर फोर्स लगाएं तो ये इस प्रकार से कुछ रोटेट हो सकता है साथियों, कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हो जा सकता है, रोटेट हो सकता है। तो ये बोला कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट ये रोटेट हो सकता है। तो पूछा गया कि यहाँ पे फोर्स ऑन द डिस्क कितना होगा, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, ये पी कितना एक्ट करेगा। फिर पूछा गया टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिस्क इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कितना टॉर्क लगाया जाए कि ये इक्विलिब्रियम में वर्टिकल पोजीशन में बना रहे। मतलब साथियों यहाँ फोर्स लगेगा उतना ही हम यहाँ इधर टॉर्क लगाना पड़ेगा ताकि ये रिक्वायर हो। तो वही पूछा जा रहा है कि कब कितना जरूरत पड़ेगी, जब हमारा जो हेड ऑफ वाटर है इस डिस्क के ऊपर वो 3.5 मीटर का हो। तो यहाँ पे मतलब साथियों यहाँ से इसके सीजी की बात करें तो यहाँ पे 3.5 मीटर ऊपर होगा। यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर कितना होगा, 3.5 मीटर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम बात करेंगे फोर्स, पहले यहाँ पे इसकी कुछ चीज़ें हैं उसको अगर हम राइट डाउन कर लें फिर उसके पहले फाइंड आउट कर लें तो सही होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे एरिया ऑफ द ओपनिंग, एरिया ऑफ ओपनिंग की बात करें साथियों, या फिर एरिया ऑफ डिस्क की बात करें, दोनों क्या होंगे सेम। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, तो पाई बाई फोर और डी वैल्यू हमारी है 2.5 का स्क्वायर। तो ये साथियों जो आ रहा है वो आ रहा है 4.91 मीटर स्क्वायर। अब आगे साथियों बात करते हैं हम सीजी की, डेप्थ ऑफ सीजी इसका कितना होगा। तो यहाँ पे साथियों जो एक्स बार लेते हैं, एक्स बार की बात करें तो हम लेते हैं फ्री वाटर सरफेस से इसके सीजी तक। तो यहाँ से अगर हम बात कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से इसका जो डायमीटर सेंटर होगा यही तक आएगा। तो हमको दिया हुआ है 3.5, तो एक्स बार इक्वल टू हमारा हो गया 3.5 मीटर। अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन द डिस्क को। अगर साथियों फार्मूले की बात करें तो हमारा पी इक्वल टू होता है स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ सीजी। आइए हम इसकी सभी की वैल्यू पुट अप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर फिल है तो यहाँ पे वाटर का स्पेसिफिक वेट 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय एरिया 4.91 मल्टीप्लाई बाय हमारा जो एक्स बार है, एक्स बार हमारा है 3.5। इसको साथियों सॉल्व करने पर जो हमारा फोर्स आता है वो आएगा 168.6 किलोन्यूटन, 168.6 किलोन्यूटन। ये हमारा साथियों हो गया फोर्स। अब बात करते हैं टार्क की। तो टार्क की बात करें अगर हम, टार्क साथियों आपको पता होगा टी इक्वल टू क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितने दूरी पर लग रहा है। साथियों देखिए ये हमारा फोर्स लग रहा है ये, अब इसका यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो यही डिस्टेंस आएगा हमारा डी। अब इसके लिए क्या होगा, पी अगर डी पी इंटू डी लिखना चाहें तो ये साथियों जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, इस यहाँ से अगर दूरी बात करें तो हमारा क्या आएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर माइनस अगर हम डेप्थ ऑफ सीजी की बात करें तो माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल के आएगा, तो हमारा हो जाएगा एच बार माइनस एक्स बार। अब हमको यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना पड़ेगा, तो आइए हम सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हैं। उसके लिए हम बात करते हैं पहले एच बार, एच बार इक्वल टू क्या होगा साथियों आपको पता होगा आई जी अपान, क्योंकि ये साथियों क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो यहाँ पे आई जी अपान ए एक्स बार प्लस एक्स बार। अब यहाँ पे आई जी की जरूरत पड़ेगी तो हमको आई जी जरूरत पड़ेगी मतलब कि सेंटर सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द सेंट्राइड। तो ये हमारा जो फार्मूला होगा सर्कुलर डिस्क के लिए वो हमारा होता है साथियों पाई बाई 64 डी की पावर 4, ये हमारा साथियों 4 होगा। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, पाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई इसकी जो डायमीटर है वो है 2.5 की पावर 4। तो ये हमारा साथियों जो आई जी निकल के आता है मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द सेंट्रॉइड वो आता है हमारा 1.917 मीटर की पावर 4। आइए साथियों वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पे आसानी से इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बार इक्वल टू आई जी हमारा हो गया 1.917 अपान, एरिया भी हमने साथ यहाँ पे निकाला था आप देख सकते हैं 4.91 और यहाँ पे एक्स बार 3.5, यहाँ पे हो जाएगा 4.91
मल्टीप्लाई बाई 3.5 प्लस हमारा 3.5। इसको सॉल्व करते हैं साथियों, तो हमारा h बार जो मिलता है वो आता है 3.61 मीटर। अब साथियों हम बात करते हैं यहाँ से जो टार्क हो गया हमको फोर्स साथियों अभी हमने यहाँ पर निकाला था, फोर्स हमारा कितना था 168.6, वही फोर्स लगेगा, उतना हम इधर से लगाएंगे तभी वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहीं पे हो जाएगा t इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 168.6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे h बार कितना हो गया 3.61 माइनस जो x बार निकाला था 3.5। अब इसको सॉल्व करते साथ जो टार्क निकल के आता है वो आता है 18.54 किलो न्यूटन मीटर का साथियों। तो ये हमारा एक आंसर ये हो जाता है, इतना हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी टार्क की। साथियों एक बार फिर बता दें हमने यहाँ पे इसको कैसे किया, हमको जो टार्क चाहिए वो क्या चाहिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितनी दूर पे लग रहा है। तो यहाँ पे साथियों सीजी से बात करेंगे, जब टार्क बात होती है तो उसके सेंटर से बात होती है, सेंटर से हम उसकी डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे डी की बात ये हुई, अब पी इंटू डी, तो यहाँ पे पी इंटू डी किया, अब हमको इस डी की हाइट डी की डिस्टेंस चाहिए। हमने क्या किया यहाँ से जो एच बार है उसमें से एक्स बार माइनस कर दिया तो हमको ये वाली जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगी, वही हमने किया। फिर अब इसके बाद हमने क्या किया, सेंटर ऑफ प्रेशर निकाला तो हमारा एच बार आ गया और ए सी जी हमको यहाँ पे दिया था, डेप्थ ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस, यहाँ पे वैल्यू पुट अप किया और हमने यहाँ पे टार्क निकाल लिया। सबसे इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे पास भेज सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।